अगर आप किसी अन्य कंपनी की है और आपको जियो में पोर्ट करना चाहते हो तो घर बैठे आराम से कर सकते हो। इस बात को तो आप जानते ही होंगे कि जियो के चलते ही डाटा इतना सस्ता हो गया है कि जियो अभी भी सस्ते में ही डाटा उपलब्ध करवा रहा है। पहले कॉलिंग व डाटा के लिए अलग अलग रिचार्ज कराना पड़ता था, लेकिन अब दोनों एक में ही हो जाता है, यानी कि अलग अलग प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी सिम को जियो में पोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जियो की साइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहां पर सिम पेज दिखाई देगा। इसके बाद जिस आप मोबाइल नंबर को जियो में बदलना चाहते हैं उस नंबर को वहां डालना होगा। नंबर डालने के बाद यहां आपको प्रीपेड, पोस्टपेड, प्री टू पोस्ट तीन तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपको फोन पर एक OTP आएगा। इसके बाद इस OTP को वहां डालना पड़ेगा, जिसके बाद आपके सामने जियो पोस्टपेड और प्रीपेड की जानकारी सामने आ जाएगी। यहां पिन कोड डालकर जियो सिम की बुकिंग करनी होगी। जियो सिम को बुक करते ही आपके फोन पर एक SMS आएगा, जिसमें जियो सिम की डिलीवरी का ऑप्शन होगा। कंपनी ने अपने प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको घर बैठे ही सिम मिल जाएगी। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप आराम से सिम को पोर्ट कर सकते हैं और घर में डिलीवरी करा सकते हैं।